हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी। आप सभी अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता जी के पूजन का लास्ट डे है। कल से हम लोगों का पढ़ाई शुरू होगा। और पढ़ाई शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब दो मैग्नेट को हम प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस दोनों मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ इसका मैग्नेटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस बैलेंस हो जाए, यानी कि दोनों मैग्नेट के द्वारा जो लगाया गया फोर्स हो वहाँ पे क्या हो जाए, उस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, वहाँ हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये हमारा क्वाइन है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। देखो ऐसे ये नहीं रह पाएगा, गिर जाता है। और वहाँ पर यह क्या होगा, ऐसे रह पाएगा, एकदम स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वह इक्वल फोर्स लग रहा है। आपने बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ना होता है बच्चों लोगों को, 5 में, कि बैलेंस फोर्स क्या है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे ऑल डायरेक्शन से जो फोर्स लगे और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट में कोई भी उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है ना। तो देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इस क्वाइन को प्लेस करते हैं और देखते हैं कहाँ ये पॉइंट मिलेगा। स्टूडेंट्स देखो, ये मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक ये क्वाइन कैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो ये ना इधर इस मैग्नेट की ओर जा रहा है ना इस मैग्नेट की ओर जा रहा है, ये बिल्कुल स्टैचू बन के ऐसे करके खड़ा है ना। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको ये कमेंट करके बताना है कि जिस पॉइंट पे यह क्वाइन बैलेंस हुआ है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओके। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि क्या यह क्वाइन दोनों मैग्नेट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताओ।